ए ब्रदर्स, क्या हाल भाई लोग। यार टी शर्ट देख रहे हो, फटी पड़ी है। ये रिलैप्स के बाद बड़ी काम आएगी। फिलहाल मेरा कोई रिलैप्स हुआ नहीं यार, तुम देख सकते हो भाई, एनर्जी लेवल ऑसम है, मस्त फील आ रही है यार। वॉट इज द रीजन मैन यू आर डूइंग नो फैप? वॉट इज द रीजन, क्यों कर रहे हो तुम नो फैप भाई? मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ यार, तुम्हें कभी रिलैप्स के थॉट्स ही नहीं आएंगे भाई। और ये एनर्जी ना जो मैं वीडियो में दे रहा हूँ, ये नो फैप करके मेरे को जो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लाइट और मस्त फील हो रहा है मेरे को, तो ये चीज़ तुम भी फील करो यार, और इस चीज़ के लिए ही नो फैप करो तुम। क्यों भाई, मेरे को क्यों नहीं आते रिलैप्स के थॉट्स और तुम्हें क्यों आते हैं? भाई मैं बहुत क्लियर हूँ, कि मुझे नो फैप करना है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने अपने ब्रेन को कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। तुम अगर ये चीज़ बोलते हो ना कि यार मेरे को रिलैप्स के थॉट्स आ रहे हैं, मेरे को अर्जीज आ रहे हैं, मतलब तुमने अपने अपनी लाइफ में अभी भी रिलैप्स का ऑप्शन ऑन रखा है। मैंने अपनी लाइफ में कोई भी रिलैप्स का ऑप्शन ऑन ही नहीं रखा। फक रिलैप्स मैन, मेरे को रिलैप्स का कुछ मुझे पता है यार, मेरे को अपनी ज़िंदगी मैंने क्या, मैं कहाँ से कहाँ तक आया हूँ, मैं कैसा फील करता था और अब मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो मैं बहुत यार स्पेसिफिक हूँ अपने नोफैप के रीज़न में कि मेरे को नोफैप करना ही करना है। मेरे को वो जो पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, बस मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं उस चीज़ को पाने के लिए कुछ भी करूँगा, तो कोई अर्जीज़ मेरे को कैसे हिला देगी भाई, तुम खुद बताओ। कोई अर्जीज़ मुझे नहीं हिला सकती भाई, डंके की नोक पे अभी तो मैं कह रहा हूँ कि कोई अर्जीज़ मुझे नहीं हिला पाएंगी, क्योंकि मैं बहुत ही क्लियर हूँ अपने रीज़न में कि मेरा नोफैप का क्या रीज़न है। भाई सोचो इस बारे में यार, तुम्हारा जो नो फैप का रीज़न है ना, वो इतना तगड़ा होना चाहिए, कि जो तुम्हारे फैपिंग या अर्जीज या कोई भी तुम्हारा जो भी शॉर्ट टर्म प्लेजर तुम्हें दिख रहा है, वो उसके सामने टिक ही ना पाए भाई, मेरा नो फैप करने का रीज़न कोई तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या कोई सुपर पावर्स के लिए नो फैप कर रहा हूँ? नहीं, जो लोग सुपर पावर्स के लिए नो फैप करते हैं ना, दूसरे दिन में रिलैप्स करके बैठे हैं। पूछो क्यों यार, डे 60 कर लिया, बेनिफिट्स तो मिले नहीं, इससे अच्छा माइंड क्या कहता है, रिलैप्स ही कर ले भाई, तुझे बेनिफिट्स तो मिल नहीं रहे। भाई तुम्हें इतनी जल्दी क्या है बेनिफिट्स की, तुम इज्जत से अपना नोफैप करते रहो, तुम्हें जो बेनिफिट मिलने हैं मिल ही जाएंगे। मतलब बेनिफिट नहीं मिलेंगे तो तुम नोफैप नहीं करोगे, तुम वो गंदी ज़िंदगी जीते रहोगे मैन। तो मैं सिर्फ नोफैप कर रहा हूँ अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। अगर मेरे पास पीस ऑफ माइंड है तो मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ भाई इस लाइफ में। मुझे ये चीज़ पक्का पता है कि अगर मेरे पास पीस ऑफ माइंड है तो मेरे पास सब कुछ है। अगर मेरे पास पीस ऑफ माइंड नहीं है ना, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना फीमेल अट्रैक्शन है, ना सक्सेस है, ना कॉन्फिडेंस है। और ऐसा नहीं है सब नहीं आएगा तुम्हारे पास, ये सब कुछ आएगा, पर उससे पहले पीस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। और पीस ऑफ माइंड तभी आएगा जब तुम एक नोफैप को लाइफ स्टाइल बना लो और करते रहो साला, कि कुछ हो जाए यार, नहीं छोड़ना नोफैप भाई, नोफैप फॉर लाइफ मैन। तो इसीलिए मैंने तुम सबसे रीज़न पूछा था कि तुम्हारा रीज़न क्या है नो फैप करने का, क्या उस रीज़न में दम है या नहीं है। उस रीज़न में भाई दम होना चाहिए कि मतलब किसी को बोलो ना भाई ये रीज़न है मेरा करने का, तो अर्जीज भी एक बार को ना आके बोलेंगे यार बंदे में दम है बॉस, करके रहेगा ये। इसीलिए मेरे को कोई अर्जीज नहीं आते भाई, क्योंकि एक तो मैंने फेलियर देखा हुआ है, और फेलियर के बाद जो बंदा सक्सेस देखता है ना, उस बंदे को पता होती है यार सक्सेस की कीमत, और उस बंदे को पता होती है कि क्या उसकी लाइफ थी और क्या अब हो गई है। तो आई एम सेटिस्फाइड मैन, जस्ट पीस ऑफ माइंड, इसलिए मैं नोफैप कर रहा हूँ।